लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महारानी, इतनी हमारी बात भी रखिए, आपकी ये दशा हमसे नहीं देखी जाती। उठिए, पलंग पर विश्राम कीजिए ना, मेरा लाल धरती पर पड़ा होगा, मैं कैसे लेटूंगी नरम सेज पर। आह, दो दो दिन बीत गए, पानी तक नहीं छुआ आपने। उठो देवी, भोजन कर लो। लीलावती, ये भला कैसा व्रत है? मैंने उसे दंड दिया था कि उसकी मति बदल जाए, न कि उसे पीड़ा देने के लिए। चलो उठो, भोजन कर लो। क्षमा करें, नहीं खाऊंगी। माँ, बेटा प्रहलाद, बेटा प्रहलाद, 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 उठ बेटा, उठ, उठ। माँ आ गई। माँ, खाओ बेटा। तुमने खाया माँ? बेटा प्रहलाद, भोजन कितना मीठा लगता है, खा बेटा। बेटा, अपने पिता की आज्ञा मान जाओ, तेरा दुख नहीं देखा जाता मुझसे। भय ना करो माँ, स्वयं श्री हरि मेरी रक्षा करेंगे। माँ नींद आती है? माँ नींद आती है, मैं सुलाती हूँ, आओ सो जाओ। प्रहलाद, अब बुद्धि ठिकाने आ गई? भूख की आग ने सब समझा दिया ना? कहाँ थी भूख पिताजी, माँ ने तो पेट भर भोजन करा दिया। लीलावती। हाँ स्वामी, क्षमा करें, बेटा भूखा है ये जानकर किस माँ से रहा जाएगा। कहाँ आया था ये? अपने ही महल में। प्रहलाद, तू कहाँ आया था? नहीं, माँ आई थी। नहीं, कुमार आया था। नहीं, माँ आई थी। कौन आया था? महारानी आई थी या कुमार आया था? कोई भी नहीं महाराज, हमने तो द्वार ही नहीं खोले। छे, मूर्ख, दंड नायक। नाथ, नाथ, स्वामी, स्वामी, बालक पर दया कीजिए, इस दुखिया की बिनती सुन लीजिए। प्रहलाद तो बहुत ही सुशील है, माता पिता की ओर भक्ति भाव रखता है। स्वामी, मीठी मीठी बातों से उसकी बुद्धि बदल सकती है। ऐसा
प्रहलाद, अब तो हरिभक्त छोड़ दोगे ना? ओह, तुमने देखा लीलावती, इसका भोलापन बहुत भयानक है। इसकी मीठी मुस्कान में एक ऐसा जादू है जो अपने माया जाल में फंसा लेता है। इसकी भुलावे में ना आना कभी। दंडनायक, स्वामी, इस कुलद्रोही पर गदा से प्रहार करो। राजकुमार है, सुकुमार है, पर लेश मात्र भी दया न करना। हरिभक्त जब तक न छोड़े, निर्दय होकर दंड दो। नहीं स्वामी, एक बार और दया करें। लीलावती, प्रहलाद, प्रहलाद बेटा, प्रहलाद। देखते हो हरि भक्तों की क्या दशा है, यही तुम पर बीते कि हरि भक्ति छोड़ दो। युवराज, तुम्हारे ऊपर हमारा हाथ नहीं उठता। बात मान लो, हरि भक्ति छोड़ दो, क्यों दुख पाते हो? आभारी हो तुम्हारा, पर तुम काम करो अपना। देखो ये गदा, मेरा बल जानते हो, एक ही चोट से देह के टुकड़े हो जाएंगे। भय मत कीजिए। हैं? ऐसा? नारायण नारायण। क्या हुआ स्वामी? मेरे भक्त प्रह्लाद पर अत्याचार और भी बढ़ गया है। हिरण्यकश्यप अपनी मृत्यु को स्वयं आप ही बुला रहा है। उसी शुभ घड़ी पर हम सब आंखें लगाए हैं। वो अब कितनी दूर है स्वामी? प्रहलाद पर जितना अत्याचार होगा, मृत्यु भी उसकी उतनी ही शीघ्र होगी। किंतु यदि हरि द्वेष से अधिक पुत्र की ममता बढ़ जाए, बालक पर वो अत्याचार बंद कर दे तो? महाराज, बचाइए, बचाइए। क्या हुआ प्रहलाद? कैसा है? घबराए क्यों हो? चोट खाकर क्या वो मूर्छित हो गया? क्या मार दिया उसे? नहीं माता, उसे मारते मारते मेरे हाथ थक गए, पर वो हिला तक नहीं। मैं सच कह रहा हूँ माता। हाँ, आ भी न की और उसने एक आंसू तक नहीं गिराया। महारानी, उल्टे मेरी गदा मेरे ही सिर आ पड़ी। पर कुमार है कहो? माँ, बेटा, प्रहलाद, बेटा, बेटा, प्रहलाद, गदा के मार से तेरी देह बहुत दुख रही है ना बेटा? नहीं माँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगे। द्रोही हो, बालक पर दया दिखाई, आज्ञा का उल्लंघन किया और उस पर झूठ बोलते हो। दंड नायक। प्रह्लाद कुमार, पुत्र की ममता मुझे विचलित करेगी, भूल जाओ। अब भी समय है, एक बार जी से हरि भक्ति छोड़कर मेरी शरण आ जाओ। पिताजी, हरे नाम छोड़कर मनुष्य के लिए कोई और शरण भी है क्या? आओ, पितृघाती, तू मेरा पुत्र नहीं, पिता का हत्यारा है। हरे हरे, बंद कर दूंगा सदा को तेरा ये मुंह। दंड नायक। पुत्र वेश में आए हुए इस कुलघाती को मिटाकर दानाकुल कलंक को दूर करो। नाथ, ऐसा मत कहो, एक ही संतान है, वंश का अंकुर है। वंश का अंकुर नहीं, वंश का नाशकारी भयंकर रोग है। नमो हिरण्याय नमः। मुनिवर, उत्तेजित होकर पतिदेव अपने ही बेटे का वध किया जाते हैं। महात्मा, मुझ पर दया करके इन्हें शांत करें। हिरण्यकश्यप, नारद, इस उपदेश की आवश्यकता नहीं। माता, तीनों लोगों के स्वामी हैं ये, हृदय को वज्र बना रखा है, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, फिर सुनने से लाभ ही नहीं। ये घोर दुख नहीं सह जाता। बेटा, प्रहलाद, तुम ही मान जाओ ना बेटा, वो
मुझे यूं दुख न दो बेटा, यूं दुख न दो, यूं दुख न दो। ऐसा शोक क्यों करना माँ, मृत्यु तो सभी की होती है, एक ना एक दिन हमें चले ही तो जाना है। सुनते हैं कुमार की बातें, सुनते हैं पत्थर पिघल जाए, पर आपके हृदय को कुछ नहीं होता। माँ ऐसा ना कहो पिताजी को, उनके मन में बड़ी ममता है मेरे लिए, इसीलिए इतने शीघ्र जन्म के बंधन से मुझे मुक्ति दे रहे हैं आज। ऐसा ना कह बेटा, मैं ये तो कैसे सहूंगी मेरे लाल। रोते नहीं माँ, तुम जैसे पुण्यवती ने मुझे जन्म दिया है, इसीलिए तो शीघ्र मुक्ति भी पा रहा हूँ। प्रहलाद बेटा मेरे लाल। ले जाओ इसे और कुल घाती को मार डालो। नहीं, तो प्रणाम जो कर लो। ले जाओ बेटा। लीलावती प्रहलाद, लीलावती मेरे लाल, लीलावती प्रहलाद। सब कहां से पकड़े? चुमंतर से, चुमंतर से। चुप, क्या बकता है पागल? माफ करो माफ। चल एक काम करना होगा। जी क्या, कैसा काम? चल मेरे साथ। कहां चलूं? झोपड़ी में, चल उधर। चुमंतर, चलिए। हाय कितना प्यारा बच्चा, कोतवाल जी इसे मुझे दे दो ना। निपुती है निगोड़ी, गोर ले लेगी। चुप, मालूम है तुझको ये अपना राजकुमार है, इस बच्चे को सांप से कटवा दे। अरे यार मर जाएगा। मारना ही तो है इसे। अजी ऐसे ना कहो जी, तंग करे तो कोई और सजा दे दो। हाय हाय, आदमी हो कि पत्थर हो, क्या बाल बच्चे नहीं तुम्हारे? प्रहलाद सुनते हो इनकी बात? अरे हम तो हम, इनको तक दया आती है, क्यों दुख देते हो भला? आप भी दुख पाते हो, हरी भक्ति बंद कर दो। क्यों चिंता करते हैं मेरी, अपना काम किया जाइए। नहीं सुनते, हरी भक्ति क्यों नहीं छोड़ते? उससे तो कहीं मृत्यु भली है। ऐसा भी क्या, बच्चा ही तो है, छोड़ो ना। तुम चुप रहो, हरि है दानव शत्रु, नहीं जानते उसका नाम तक लेना मना है। हाँ, ऐसा करो मैं समझाता हूँ। मैं राजकुमार, मान जाओ बात, कोतवाल जी की बात मान जाओ। ऐ छोटे राजा, मानोगे बात तो सब ठीक है, नहीं तो काला भुजंग एक बार काट ले तो सीधे सरंग। अब बोलो। ऐसा जानते हो मेरे सांपों को? जानता हूँ, नहीं काटेंगे मुझे वो। ओहो, नहीं काटेंगे? अच्छा, दिखाऊं काले का प्रताप। अरे सुन सुन सुन, हाय हाय मर जाएगा, भोले बच्चे को कटवाएगा, पाप लगेगा रे। कोई सच थोड़ी है, डराता हूँ, जो सांपों को देखेगा तो सिट्टी भूल जाएगा। देख तो सही, देख आ, पास आके देख, अच्छी तरह देख।
बड़ा अजगर सांप, उठक जाएगा तुझे। बोल अब बोल। आहा, इतना सुंदर रूप है। ओ जंगी, देरी क्यों, खोल बिटारी। ये क्या, मेरे सांप कहाँ भाग गए? तुम्हारी रोजी गई, साथ में रोटी भी गई। ये छोटा नहीं बड़ा खोटा है, अब हम कमाएंगे कैसे? अरे पेट पे लात ना मारो, दया करो, दुहाई है बाबा, पाँव पड़ो तुम्हारे, बुला दो मेरे सांपों को। ओ जंगी, भुजंगी, छोटे राजा जी की, छोटे राजा जी की, छोटे राजा जी की। लीलावती, 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 प्रह्लाद आ गया, हमारा बेटा आ गया, बात मान गया लीलावती, उसकी बुद्धि बदल गई, वो आ गया। आ गया माँ, आ गया बेटा, माँ, बेटा, लीलाल, तू आ गया। बेटा, अपनी माँ के प्राण बचाने के लिए हरि भक्ति छोड़ देना। ये क्या माँ, हरि भक्ति बिना जीऊंगा ही कैसे? अरे हरि भक्ति अब तक नहीं छोड़ी। असंभव है छोड़ना पिताजी। दंडनायक, इसे मार क्यों नहीं डाला? कितना जतन किया महाराज, तलवार से काटा, इसके देह पर एक खरोंच भी नहीं लगी, हाथी से कुचलवाया, इसने आह तक न की, पहाड़ की चोटी के नीचे धकेल दिया, सांपों से कटवाया। ये सच है? चरणों की सौगंध, अपनी आंखों से देखा है। अचरज की बात, हिरण्यकश्यप। सुन लिया नारद? सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। इस छोटी सी आयु में प्रह्लाद ने ये जादू टोना कहां से सीख लिया, आश्चर्य होता है। दानवेश्वर, आश्चर्य होता होगा तुम्हें, किंतु मुझे तनिक भी नहीं होता। अर्थात? ओह, बताऊं तो प्रह्लाद के प्राणों की कुशल नहीं। बताओ नारद, बताओ, प्रह्लाद क्या अमर है या देवताओं ने इसे चोरी से अमृत पिला दिया है? नहीं दानवेश्वर, ये अमृत का प्रभाव नहीं। फिर तो बता ही दूं, अगर वो श्री हरि सुनेंगे तो क्रोध करेंगे। आ, श्री हरि? नारद, कहां है वो श्री हरि? बताओ नारद, बताओ। प्रह्लाद के भीतर है। हाँ हाँ, प्रह्लाद के भीतर जा छुपा। ये सच है नारद, तुमने सच कहा है, वो मायावी प्रह्लाद के भीतर छुपा है, इसीलिए लोक लोकांतर में खोजने पर भी कहीं नहीं मिला। आज पकड़ में आया। नारद, ये किसी को ना बताना, आज श्रीहरि का संहार कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, आज ही रात।
हाँ।